वॉलंटियर से बात करें, जब प्रोग्राम हो रहा हो उस टाइम में आपस में चर्चा लाउड आवाज में, ठीक है ठीक है। वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता, वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता जो परिपरा अपने लिए खुद आसमान ढूंढता है। इसी तरीका को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वॉलंटियर शिक्षकों के साथ के पार्टी का प्रोग्राम भी आगे बढ़ाए। हमारे महान पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस जो हुए हैं, वो एक गुरु जिन्होंने शिक्षा की पूरे भारत में लहर दौड़ाई, क्रांति दौड़ाई, और अभी के साथ ही हमारे एक सिख परिवार के भी एक गुरुजन हैं जिनकी आज जन्म दिवस है। तो हम चाहेंगे सभी बच्चों को बधाई दें। और मैं चाहूंगा सारे गुरुजनों से विनती करना चाहूंगा, बच्चों ने एक स्माइल बैच किया है तो चाहते हैं सब लोगों को लगाया जाए ताकि उन्हें सब लोग प्रेरित करें कि उनके चेहरे पर ऐसा मुस्कान बनी रहे। लगाया बैच बच्चों के द्वारा काफी प्यारा पुरस्कार है। शिक्षक जो भगवान का रूप होते हैं, ये उनपे बिल्कुल भगवान पर चढ़ाया गया है, कुछ भी तलक तलक लगा है। तो मैं चाहूंगा सारे शिक्षक बच्चों को आशीर्वाद भी दे दे।
मैं सर से कुलदीप इधर मैं विनती करना चाहूंगा, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो उन्होंने यहाँ पर लाया हुआ है, कृपया आप अपने सदस्यों से मित्रों के साथ से कृपा करना। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सर के
लेकिन जब मीठा होता है संघर्ष करने में तो डर लगती है लेकिन व्यक्ति सफल वही होता है। इसी तारीख को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने
दोस्तों मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ जो है वो मेरे सभी ख्वाबों को पूरा कर रही है, मेरे सभी अरमानों को पूरा कर रही है। आप लोगों की माँ भी करती होंगी ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो उन बातों को मैं पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। जो मेरे हर एक ख्वाबों को हमेशा पूरी करती है, मेरे हर लफ्ज हमेशा अपने दिल में लिए रहती है। मैं इसी पूज्य माँ का कर्ज कभी चुका न पाऊंगा, वो मेरे दिल में रहती है, वो उसके दिल में हर कपड़े का टुकड़ा माँ का चल हो नहीं सकता, जो आंचल हो वो माँ के सिवा दूजा हो नहीं सकता। मुझे तो चांदारों में तेरा ही रूप दिखता है, मुझे तो चांदारों में तेरा ही रूप दिखता है। अगर झांके कोई मुझ में तेरा ही स्वरूप दिखता है। अब अंतिम चार पंक्तियां मैं जो लिखा हूँ वो सुनाना चाह रहा हूँ कि मैं मरने गीत करे रोसे जिसे पैगाम लिखता हूँ, वो कोई और नहीं माँ है जिसे सम्मान करता हूँ, वो कोई और नहीं माँ है जिसे सम्मान करता हूँ। तेरे ख्वाबों में मेरे ख्वाब की जो आस दिखती है, तेरे ख्वाबों में मेरे ख्वाब की जो आस दिखती है, उसे बस तुम समझती हो या मेरा दिल समझता है। मैं कुमार विश्वास जी की कुछ पंक्तियां हैं जिनमें जीवन के बारे में बताया गया है, मैं सुनाना चाहता हूँ। ऐसा ही होता है यूं ही बन जाता है, जिसमें के पास से वक्त का पानी, ऐसा ही होता है जिंदगी बनती है पल के ही अंदर नादानी। दोस्तों तो जिंदगी एक ऐसा सफर है, अगर पीछे मुड़कर हम ये देखें कि हम चले कहाँ से थे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, आने वाले कल के रास्ते का पता चल जाएगा। ऐसा ही होता है यूं ही बन जाता है, जिसमें पत्थर से वक्त का पानी, ऐसा ही होता है जिंदगी बनती है के ही अक्सर नादानी। जिसने भी छोड़ी है धरती उसने भी दुख सदा झेले है, ऐसा ही होता है जाना आत्म में सब के लिए है। ऐसा ही होता है सूरज के रंगों को जग की उमंगों को, जिसने भी साधा है जिसने भी बांधा है उससे ही मिलती है झुककर जवानी। ऐसा ही होता है सदियों में मिलती है ऐसी ही एक जिंदगानी। का पानी ऐसा ही होता है जिंदगी बनती है पल के ही अक्सर नादानी। कुमार विश्वास जी की कुछ और पंक्तियां हैं आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ये दिल बर्बाद करके इसने क्यों आबाद रहते हो, कोई गल कह रहा था तुम इलाहाबाद।
लेकिन अगर आपके लिए
रोजगार का कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो ये धरती को ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहा उसके लोगों को यही कहा कि आपको अपडेट दूंगा और मेरी मैं चाहूँगा कि मेरे सभी विद्यार्थी भविष्य में सफल हो पाऊँ, ठीक है ना। बाकी डायलॉग का क्या रहेगा मैं लोगों को बताऊँ। नेक्स्ट बच्ची बच्ची संजय संजय पोया पोया सर को ये कविता है ना है और कविता सर तो बहुत अच्छी सुनाई थी मुझे पता है। देखो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे ऐसे प्रेमी हैं जिन्होंने दोनों काल प्रेम किया। द्वापर में राधा और कलयुग में मीरा मीरा तो वो चार लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। भोपाल रत से परे चिरंतन अभी यहाँ थे अभी कहाँ हो। चिरंतन मतलब भगवान विष्णु विष्णु, ठीक है ठीक है। भोपाल रत से परे चिरंतन अभी यहाँ थे कभी धरार कभी गगन में कभी कहीं थे कभी कहीं हो तुम्हारी राधा हो भानु रे तो भानु मतलब मानु मानु तुम्हारी राधा हो भानु रे तो सकल चराचर में हो उपस्थित बसे ही मेरा है भाग्य मोहन। ये मीरा कहना ही है कि बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी भिन्न नहीं हो के भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हो। दो लाइन में तीन के लिए सब अपने मन के राजा हैं सब अपने मन के राजा हैं सब अपने मन मन के राजा है सबकी कोई रानी है। भले प्रकाश तो हो नामों पर सबकी कोई कहानी है। बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा जितनी जितनी आंख हंसे है उतनी पीर पुरानी है। प्रेम प्रेम को कभी ना कभी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो हुआ होगा चाहे आपको मैं प्रेम को चार चार शब्दों में परिभाषित करता हूँ चार लाइन लाइन सही सही लाइन तू मुझे जान ले मैं तुझे जानूं मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले है बहुत ही सरल प्रेम का प्यार तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं। वहां पे तो सब लोगों ने पढ़ा था बस दो लाइनें पढ़ना उसके बाद विराम लेता हूं कि जमी से आसमां तक इस जहां में घूम लेता हूं जमी से आसमां तक जमी से आसमां तक इस जहां में घूम लेता हूं जो अभी सांस हो तो सारा जहां में घूम लेता हूं। इबादत मैं भी करता हूं मगर मंदिर नहीं जाता। इबादत मैं भी करता हूं मगर मंदिर नहीं जाता। सलीके से मैं तस्वीर मां की चूम लेता हूं। नेक्स्ट पर्ची पर्ची के वॉलेंटियर किया और कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह के उत्कृष्ट कार्यक्रम को करने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज शिक्षक के शुभ अवसर पर
आप सभी छात्रों को, शिक्षकों को, सभी का मैं आदर अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। बड़ा उत्कृष्ट दिन है और अपने देश में एक बड़ी उत्कृष्ट परंपरा भी रही है। शायद पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ गुरुशिष्य परंपरा का पालन करके नहीं होता था, आज भी हो रहा है। सदियाँ गुजरेंगी, हो जाएंगे, जाएंगे, लेकिन ये परंपरा सदैव भयव रहेगी, सदैव बनी रहेगी। हम इसका सम्मान करते हैं। आज मान से लंबा होना नहीं, अगर अपने मिलते हैं बैठे थोड़ा शांत से, थोड़ा 5 मिनट बैठ जाइए। 5 मिनट 5 सितंबर शिक्षक दिवस देश के सब राष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी का चरणदेवा दिवस शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। हमें तो सम्मान के तरीके शिक्षा के क्षेत्र में हमसे अपने योगदान का, दर्शन के क्षेत्र में योगदान का भूल नहीं सकते जिस तरह का उन्होंने योगदान दिया। इस परंपरा को निभाने के लिए, इसको अपनाने के लिए जिस तरह हमें अपने आप को एक शिक्षक को छात्र के बीच एक भाव में बनाना होता है। आज जिस तरह का भाव आप प्रदर्शित कर रहे हैं, ये भाव कैसा जीवित है, ऐसी भावना होनी चाहिए। और केवल केवल ठीक है कि हमें इसमें केवल छठे को सेलिब्रेट नहीं करना, इसके मूल को अपने अंदर में धारण करना है। आप शिक्षक दिवस की सार्थकता तभी है जब इसके महत्व को आप अपने जीवन भरे भरे आप इसको अपने अंतर मन में व्याप व्याप जीवन भरे भरे आप इसको अपने मन में धारण करें। क्योंकि शिक्षक हमें अनेक अवस्थाओं में मिलते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो माता पिता हमारे प्रथम शिक्षक जीवन क्रम में, जब हम विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब हम बाल्यावस्था से ऊपर उठकर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अनेक अवस्थाओं में, हर रूप में, हर अवस्था में हमें अनेक प्रकार के शिक्षक मिलते हैं जिनसे हम कुछ कुछ सीखते हैं। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी इस तरह के मैं लोग आपकी आसपास सब कुछ कुछ सीखिए। और सीखिए इसलिए नहीं कि केवल आपको एक जॉब मिल जाए, आप एक प्रोफेशन क्लियर कर लें, आप केवल पैसे कमा लें, आप थोड़ा नाम बना लें, बल्कि इसके लिए कि आप विशिष्ट योगदान भी दे सकें, कुछ बेहतर कर सकें। अगर आप प्रयागराज आए हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो जो आपने अपने दिमाग में आपको एक खौफ लेके चले हैं, जो मजबूत में पाने के लिए आप प्रयासरत हैं, वो आपको प्राप्त करें ही करें, साथ ही साथ कुछ विशिष्ट योगदान देने का भी प्रयास करें। ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं समेटूंगा अपनी बात बात। आप सभी को पुनः शुभकामना, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में जहाँ भी रहें, सफल रहें, कुछ विशेष कार्य करें, अपनी पहचान बनाएं, मुकाम पाएं। धन्यवाद। एक्चुअली सर के फरमाइश से ये एडजेक्टिव पढ़ा दे आते पढ़ने पर बात नहीं है ना, नहीं ना आवाज आ रही ना नहीं ना। तो आज 5 सितंबर है, बहुत अच्छे से मैं जान रहा हूँ कि किस अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं और कैसे हम लोग इसके लिए रिएक्ट कर रहे हैं, कैमरा जो प्रोग्राम में हम कैसा कंटिन्यू होने चल रहा है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स कहना चाहेंगे कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही साथ एक सिख सोसाइटी को मेरा बहुत सारा थैंक्स है, इतने अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, इतने अच्छे से प्लानिंग करके सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। और अभी एक विद्यार्थी ने माँ के बारे में पढ़ा और उन्होंने माँ के बारे में इतनी अच्छी लाइनें बोली थी। सबसे बड़ी बात क्या था कि जीवन में कोई भी हो, चाहे वो माना हो या कोई और दूसरा जीव, माँ यूनिवर्सल प्रेम करती है, उसे सार्वभौमिक प्रेम होती है माँ। जितना भारत में माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, उतना पाकिस्तान में माँ अपने बेटे को प्रेम करती है।
सिर्फ मानव ही नहीं जानवर भी नहीं अपने बच्चे को इतना प्रेम करता। मैं सिर्फ माँ की नहीं बल्कि इस मानव जाति को नारी की सम्मान में चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उनकी जो वास्तविक व्यथा है, जो वास्तविक स्थिति है, उसमें सिर्फ चार लाइनें कहना चाहता हूँ आपसे कि धरती की तरह तरह दुख सहले, सूरज की तरह तरह जलती जा। धरती की तरह तरह दुख सहले, सूरज की तरह तरह जलती जा, सिंदूर की लाज बचाने को जो चाप वो आपको चलती जा। धरती की तरह तरह दुख सहले, सूरज की तरह तरह जलती जा, सिंदूर की लाज बचाने को जो चाप वो आपको चलती जा। संसार तुझसे चलता है, तेरी कोख से मौत भी आई है। संसार तुझसे चलता है, तेरी कोख से मौत भी आई है। ईश्वर की तरह महान है तू, कहने को अगला है। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर बस आपसे इतना ही बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने पूरी टीम की ओर से आपसे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नारी का पूरा सम्मान करिए, अपने माँ, अपने बहन, अपने पति जो भी हो उनका पूरा सम्मान करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए। अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो आप एक पूरे के पूरे पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लीज आज हमारा पर्व और कुछ कह रहे हैं देखिए। अगर गाने में कोई गलती हो जाएगा तो माफ मत करिएगा। ठीक है, हमें सही सॉन्ग का सुना देना, इसके बाद से हम कटती है मैं।
पल का भी जिया।